गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वॉट इज सोल्यूबल इन वॉटर एंड वॉट इज नॉट सोल्यूबल. गुलन वॉज स्वेटिंग वेन ही केम होम आफ्टर प्लेइंग इन द इवनिंग. ही वॉज फीलिंग टायर्ड एंड थर्स्टी. गुलन्स मदर मेक्स अ स्पूनफुल ऑफ शुगर, अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड सम लेमन जूस इन अ ग्लास ऑफ वॉटर एंड ऑफर्ड हिम दिस शिकंजी. इसे ही क्या कहते हैं, लेमनेड, मतलब नींबू का जूस जो होता है ना, नींबू पानी जिसे हम कहते हैं, वो टू ड्रिंक. अब ये जो गुलन है ये बहुत थका हुआ था, बहुत सारा उसको क्या हुआ, स्वेटिंग हुआ था, पूरा थक गया था. तो मम्मी ने उसे क्या दिया, नींबू शरबत दिया. गुलन नोटिस दैट व्हाइल हिज मदर वॉज मिक्सिंग शुगर एंड सॉल्ट इन वाटर, द सॉल्ट एंड द शुगर डिसअपीयर्ड आफ्टर अ व्हाइल. अब उसने देखा कि मम्मी ने जब शुगर और सॉल्ट उसमें पानी में डाला, फिर उसको स्पून से मिक्स किया, तो क्या हुआ, शुगर और सॉल्ट डिसअपीयर हो गया. लेट अस ट्राई अ सिंपल एक्टिविटी टू एक्सप्लोर हाउ डिफरेंट मटेरियल्स बिहेव व्हेन वी मिक्स देम इन वाटर. सो लेट अस एक्सप्लोर. कलेक्ट सम स्मॉल अमाउंट्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट. ठीक है. देन टेक 5 glass tumblers एंड फिल देम अबाउट 2/3 विथ वाटर. देन पुट अ टीस्पून फुल ऑफ शुगर इन द फर्स्ट ग्लास टम्बलर, देन सॉल्ट इन सेकंड, थर्ड में डालना है चॉक पाउडर, देन सैंड इन फोर्थ एंड सॉडस्ट इसमें 5th glass में. ठीक है. ऑल स्टिरिंग. फिर उसको ना क्या करना, स्टर करना है और फिर जस्ट प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन इन ईच केस. आपको जस्ट प्रेडिक्ट करना है कि क्या होगा, जैसे भी शुगर है ये मिक्स होगी या नहीं होगी, चॉक पाउडर मिक्स होगा या नहीं होगा, सिर्फ प्रेडिक्ट करना है. ओके. यूज अ स्पून टू स्टर वेल द कंटेंट ऑफ ईच ग्लास टम्बलर. वेट फॉर द फ्यू मिनट्स एंड वॉच वॉट हैपन्स. फिर स्टर करना है, थोड़ी देर वेट करना है और फिर देखना है कि क्या होता है. देन राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 6.5. अब देखो यहाँ पर ये मटेरियल्स दिए हैं, साइड में है प्रेडिक्शन और ऑब्जर्वेशन. जैसे एग्जांपल, जैसे फर्स्ट वाला है शुगर, तो क्या प्रेडिक्ट किया था आपने, ये डिजॉल्व होगा, करेक्ट ना, सो विल डिसअपियर इन द वाटर. ऑब्जर्वेशन क्या हुआ है कि हाँ इट डिसअपियर्स इन वाटर. देन सॉल्ट का क्या होता है, सॉल्ट ऑल्सो डिसअपियर इन वाटर. चॉक पाउडर होगा क्या, नहीं, क्योंकि चॉक पाउडर इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर. सैंड भी इनसोल्यूबल है. देन सॉडस्ट, तो देखो इसमें से चॉक पाउडर, सैंड और सॉडस्ट ये तीनों भी डिजॉल्व नहीं होंगे. ओके. देन यू माइट हैव नोटिस दैट सम मटेरियल्स कंप्लीटली डिसअपियर व्हेन मिक्स इन वाटर. वी से दैट दिस मटेरियल्स डिजॉल्व इन वाटर, और इन अदर वर्ड्स दे आर सोल्यूबल इन वाटर. अब हमने देखा कि शुगर और सॉल्ट जो है जब हमने ऐड किए पानी में, उसको मिक्स किया, तो क्या हो गया, वो डिसअपियर हो गया. इसका मीनिंग क्या है, दे आर सोल्यूबल इन वाटर. Then some materials do not mix with water, do not disappear even after we stir them for a long time. These materials are insoluble in water. ठीक है. So water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of materials. अब आपको अच्छे से पता होगा कि water का digestion में कितना main role है. ठीक है. तो ये सब सारे functions जो है, डाइजेशन का फंक्शन जो है वो किसके हेल्प से होता है, वाटर के हेल्प से. क्यों होता है, बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स. देन देखो यहाँ पर 2 glasses दिए हैं सोल्यूबल मटेरियल इन वाटर. पानी में कुछ अगर सबको शुगर डाला है तो वो पूरा मिक्स हो चुका है, करेक्ट. देन बी इन सोल्यूबल मटेरियल इन वाटर. अब इसमें देखो दिख रहा है ना, वो जो भी मटेरियल उसमें डाला हुआ है वो मिक्स हुआ है क्या, नहीं है, सो इट इज इन सोल्यूबल. देन मेक योर ओन ORS. अब आपको ORS पता है, हाँ, जब कभी कभी ऐसा होता है ना, वीकनेस आ जाता है, कभी कुछ पेशेंट रहते हैं, या फिर देखो किसी किसी को डायरिया का प्रॉब्लम होता है, तब ना ORS देते हैं, या फिर छोटे बच्चों को भी देते हैं. तो ORS कब देते हैं, जब डिहाइड्रेशन हो जाता है. सो लेट्स देखते हैं हम लोग, मेक योर ओन ORS. ORS मतलब ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन. इट इज़ यूज टू ट्रीट dehydration due to diarrhea or other illness. These ready-made ORS packets are available in primary health center and also in the market. आपने देखा होगा उसके पाउच मिलते हैं और अभी तो उसका लिक्विड भी मिलता है यहाँ पर मेडिकल शॉप में. ईच पैकेट इज डिजॉल्व इन अ लीटर ऑफ वाटर बिफोर यूज. इफ दिस आर नॉट अवेलेबल, अगर ये पैकेट्स हमारे पास नहीं है तो क्या करना है, हम लोग घर पर भी ORS बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं, बाय मिक्सिंग 6 teaspoon of sugar and 1/2 teaspoon of common salt in 1 liter of boiled and cool water. पहले 1 liter पानी boil करना है, फिर उसको cool करना है, फिर उसमें ये dissolve करना है. Okay. चलो देखो अभी ये बच्चे क्या कह रहे हैं. Do liquids like oil, vinegar and honey dissolve in water? Explore. होता है क्या oil mix में पानी में, नहीं होता है. Vinegar होता है, honey भी होता है,
देन वॉट अबाउट द गैसेज प्रेजेंट इन वाटर. अब ये सोच रही है कि पानी के अंदर तो गैसेज भी होते हैं, उनका कैसा हो, क्या वो भी डिजॉल्व होते हैं या वो भी सोल्यूबल रहते हैं. सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्स विथ वाटर. कुछ कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं मिसिबल लिक्विड्स. एंड सम डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. अगर आप एक ग्लास में पानी लोगे, उसमें डालोगे थोड़ा सा ऑयल, फिर उसको ढेर सारा मिक्स करना है बहुत टाइम तक, ठीक है, फिर उसको वैसे रख दो, डिस्टर्ब मत करो, तो आप ध्यान में आ जाएगा कि पानी नीचे है और जो ऊपर की लेयर है वहाँ पर पूरा ऑयल सेटल आके जम जाता है वहाँ पर, ठीक है, तो वो मिक्स नहीं होते हैं. दिस लिक्विड्स आर इमिसिबल लिक्विड. सिमिलरली सम गैसेज आर सोल्यूबल इन वाटर वेर एज अदर्स आर नॉट. तो ऐसे ही कुछ गैसेज रहते हैं जो सोल्यूबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर. चलिए देन, और कौन सा गैस है जो डिजॉल्व होता है पानी में? कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्या? अब देखो, हम लोग जो वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, उसमें रहता है कार्बन डाइऑक्साइड. चलिए देन, हाउ हेवी और लाइट. लेट अस टेक 3 आइडेंटिकल पेपर कप, फिल ईच कप विद द प्रोवाइडेड मटेरियल, फिल वन विथ वाटर, मार्क इट एज ए, सेकेंड विथ सैंड, मार्क इट एज बी, एंड थर्ड विथ पेबल्स, मार्क इट एज सी. प्रेडिक्ट विच वन वुड बी हेवियर एंड विच वन वुड बी लाइटर. ठीक है, वे ईच कप यूजिंग अ बैलेंस एंड रिकॉर्ड द रीडिंग्स इन योर नोटबुक, कंपेयर द डेटा एंड इन्फर विच इज हेवियर एंड लाइटर. अब यहाँ पर देखा है कि कौन सी चीज़ हेवी है, कौन सी लाइट है, ये हमें कैसे समझ में आता है. फ्रॉम एक्टिविटी 6.8 वी कैन से दैट एनी ऑब्जेक्ट विच इज हेवियर और लाइटर कैन बी मेजर इन द टर्म ऑफ प्रॉपर्टी कॉल्ड मास. द वन विच इज हेवियर has more mass, the one which is lighter has less mass. मतलब जो heavy है उसमें ज़्यादा mass है और जो light है उसमें कम mass है, ठीक है. So weight is sometimes used in common language for mass as it is determined by weighing. Then space and volume. ठीक है, तो अगर जो चीज़ heavy है तो वो क्या, उसका mass ज़्यादा रहेगा, ठीक है. Then space and volume. नेक्स्ट डे मैडम विद्या एंटर्स द क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप टू ग्रीट हर. शी रेसिप्रोकेट्स एंड डिलिबरेटली सेज प्लीज कीप योर बैग्स ऑन योर सीट्स एंड सिट डाउन. क्या कहा मैडम ने कि आप यहाँ पे बैठे हो, आपकी जहाँ पर सीट है वहाँ पर बैग रखनी है और फिर नीचे बैठना है. स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सिट बिकॉज बैग्स आर केप्ट ऑन देयर सीट. अब बच्चों की जगह पर बैग्स रखी है तो बच्चे कैसे बैठेंगे. मैडम विद्या आस्क व्हाई आर यू नॉट सिटिंग. The students reply that there is no place to sit because the bags have occupied that space. क्यों नहीं बैठ सके बच्चे, क्योंकि उनकी जो जगह थी बैठने की वो जगह किसने ऑक्यूपाइड की थी, बैग्स ने, ठीक है. Continuing the conversation, she provides two identical glasses tumbler to two students and encourages them to pour the remaining water from their ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स इन टू द रिस्पेक्टिव ग्लास टम्बलर. दो ग्लास टम्बलर्स लिए, बच्चों को कहा कि इसमें पानी डाल दो आपके बॉटल में जो भी बचा हुआ है, ठीक है, तो बच्चों ने डाल दिया. ऑन पोरिंग वाटर इन द ग्लास टम्बलर द स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट. अब बच्चों ने देखा कि वन ग्लास टम्बलर गेट्स हाफ फिल्ड वाटर. एक जो ग्लास टम्बलर है उसमें आधा ही ग्लास पानी है, आधा ही पानी है. देन वाइल द अदर, और दूसरा पूरा भरा हुआ है पानी से, ठीक है. देन Why is the level of water different in the two tumblers? अब क्यों different है, क्योंकि एक में ज़्यादा पानी है एक में कम है. Madam Vidya elaborates that both tumblers have the same capacity. उन्होंने क्या कहा कि दोनों भी tumbler की, दोनों भी जो glass है उनकी capacity same है, लेकिन पानी का level अलग अलग है. The water level differ in each case. Which indicate that the amount of water in each tumbler is different. Capacity same है लेकिन पानी की quantity, जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो क्या है, वो डिफरेंट है. द वाटर इन द फर्स्ट टम्बलर ऑक्यूपाइज लेस स्पेस. अब जो पहला टम्बलर था वो हमने देखा आधा ही भरा हुआ है, तो उसने कम स्पेस ली है. इंडिकेटिंग डैट वॉल्यूम ऑफ वाटर इन हिज टम्बलर इज लेस दैन द वाटर इन द अदर टम्बलर. अब जब ये स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाइड किया ना उस पानी ने, उसे कहते हैं वॉल्यूम. द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द वाटर रिप्रेजेंट इट्स वॉल्यूम. उनको स्पेस भी चाहिए, वॉल्यूम भी चाहिए. Then, why was not able
to transfer water from the jug into an empty water bottle completely. Now I know the reason behind it. क्या reason है इसके बीच में? अब देखो, ये जो bottle की capacity जो है वो अलग है, और जो जग है उसके हाथ में उसकी capacity ज़्यादा है, तो उतना पूरा पानी bottle में नहीं आएगा, करेक्ट ना? सपोज जग की कैपेसिटी है 2 लीटर, और आप लोगों की जो स्कूल बॉटल होती है उसकी कितनी होती है कैपेसिटी? 1 लीटर के आसपास, ठीक है? तो मुझे बताओ 2 लीटर जग में पानी, कितना पानी रहेगा? 2 लीटर, तो वो पूरा 1 लीटर बॉटल में आएगा ही नहीं, क्योंकि कैपेसिटी अलग अलग है दोनों की. यू मे हैव नोटिस ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस बींग सोल्ड इन मार्केट. हैव यू नोटिस 1 लीटर, 500 ml, 200 ml एक्सेट्रा रिटन एज नेट क्वान्टिटी ऑन द बॉटल्स. आप लोगों की बॉटल्स पे भी लिखा होगा. देन दिस इंडिकेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द बॉटल्स. तो वो क्या इंडिकेट करते हैं कि उस बॉटल में कितना पानी एडजस्ट होगा, ठीक है? देन द बॉटल्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड मिल्क आर लेबल एज 500 ml इंडिकेटिंग वॉल्यूम. देन नाउ यू हैव बिकम फैमिलियर विथ मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. हाउएवर ऑल मटेरियल्स डू नॉट पजेसेस ऑल दिस प्रॉपर्टी. अब कुछ कुछ प्रॉपर्टी तो हमें पता चल गई है, लेकिन सारे मटेरियल में सेम सेम प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, ठीक है? चलिए, देन वॉट इज मैटर. अब मैटर हम किसे कहेंगे? मास एंड वॉल्यूम आर द टू प्रॉपर्टीज दैट आर पजेसेस बाय ऑल मटेरियल, ठीक है? मास मतलब वेट पकड़ लो, और वॉल्यूम मतलब उसकी कैपेसिटी, ठीक है? चलो, सो कैन वी गिव अ जनरल नेम टू एनीथिंग दैट पजेसेस दिस टू प्रॉपर्टीज? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास. कोई भी चीज़ ले लो जिसको क्या है, खुद का एक मास है, वेट है, और क्या करता है, जो जगह लेता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है, उसे हम क्या कहेंगे? मैटर. द मास गिव्स द क्वांटिटी ऑफ मैटर. द यूनिट्स टू मेजर इट आर ग्राम, किलोग्राम. द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मैटर इज इट्स वॉल्यूम. अगर वेट है, ठीक है, हमने यहाँ पर जो बोला ना कि अगर मास ये करना है, मेज़र करना है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं? ग्राम, किलोग्राम. अब देखना है कि स्पेस कितनी ऑक्यूपाइड किया है मैटर ने, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? वॉल्यूम. तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लीटर एंड मिलीलीटर. अब भी हमने देखा ना बॉटल का लीटर और मिलीलीटर की कैपेसिटी थी उसकी. देन अच्छा, ये जो पैसेज है इसमें आपको सब बताया है कि जैसे किलोग्राम, ग्राम, जो यूनिट है उनके बारे में, कि एक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उन्होंने ये जो है ना वेइंग वाला जो भी है वो सारे यूनिट्स बनाए हुए हैं, ठीक है? तो ये वाला पैसेज आपको अच्छे से पढ़ना है कि कैसे लिखेंगे हम लोग, वो सारी चीज़ें इसमें दी हैं. देन Can all the materials around us be considered as different example of matter? Discuss with your friends. For example, water is a matter. Sand and pebbles are matter, and so is a cup. अब देखो, ये जो है water भी matter है, sand, then pebbles, cup, ये हमारी chair, ये सारे तो है ना. So materials are types of matter used in the creation of making of object. जैसे example ले लो कि एक wooden table है, ठीक है? उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया हम लोगों ने? वुड यूज़ किया है, करेक्ट? देन वी लर्न दैट मटेरियल्स लुक डिफरेंट एंड बिहेव डिफरेंटली. मटेरियल अलग अलग होते हैं, अलग दिखते हैं, उनका बिहेवियर भी अलग होता है. वी ग्रुप मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज. वी फाइंड ग्रुपिंग यूजफुल एज इट हेल्प अस स्टडी एंड ऑब्जर्व पैटर्न्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग. अब हम लोग ग्रुपिंग क्यों करते हैं? ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी हो, लर्निंग के लिए ईजी हो, और स्टडी करने के लिए. ह्यूमंस हैव बीन क्लासीफाइंग नॉट ओनली थिंग्स. सिर्फ थिंग्स को क्लासीफाइड नहीं किया हम लोगों ने, क्या क्या किया है, बट ऑल्सो रॉक्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. और ये सारा जो क्लासीफिकेशन है ये सब हमारे लिए है, ताकि हमें ईजिली हर चीज़ पता चल सके. वी हैव लर्न अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड इन द चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. जस्ट लाइक इन द लिविंग वर्ल्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉन लिविंग वर्ल्ड इज ऑल्सो डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. देन देखो, अभी ये बच्चे क्या बात कर रहे हैं. वी हैव एक्सप्लोर एंड अंडरस्टूड द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. येस, बट मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स दैट वी सी टूडे वुड हैव ऑल्सो एग्जिस्टेड अर्लियर. आई एम क्यूरियस टू नो हाउ पीपल क्लासीफाइड दैम देन. चलिए, यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है, और समरी अच्छे से पढ़िएगा. इसमें क्या क्या दिया है समरी में? ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल. देन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल. Then we can use different material to make
ऑब्जेक्ट्स विद सिमिलर फंक्शंस. देन द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स, उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन. मटेरियल पजेसेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज विच डिटरमाइन देयर यूजेस. देन मटेरियल्स आर ग्रुप और क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेज इन देयर प्रॉपर्टीज. मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड based on appearance such as lustrous, non-lustrous, then based on the fill such as hard, soft. Then materials are grouped as transparent, translucent or opaque depending on how much we can see through them. Some materials are soluble in water while others remain insoluble. Anything that occupies space and has mass, it's called matter. The space occupied by matter is its volume. And last one, mass quantifies the amount of matter present in an object.